हाय, दिस इज मी ज़ीशान खटक और आज मेरा फोर्थ ब्लॉग है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग जो है वो बेसिकली एजुकेशन बेस्ड है। मैं आपको एक स्कूल में लेके जाऊँगा, वहाँ पे आपको बच्चों से मिलवाऊँगा, वहाँ पे उनके टीचर से हम मिलने की बातें करेंगे। तो मिलते हैं लोकेशन पे। हाँ जी, तो सीन कुछ ये है कि हम लोग पहुँच गए और हम सर अयूब का वेट कर रहे हैं। ये स्कूल है मास्टर अयूब का, ओपन एयर स्कूल है जहाँ से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और ये है अली भाई जो कि फोटो शूट कर रहे हैं इजाज़ का, और ये पठान बने हुए हैं इजाज़। क्या हुआ है तो पठानों वाला पोज दे रहा था। ये तो तीन दिन में इसकी छोटी बार ये गिरा है। इंसान है, जमीन में जाना है इधर ही। वेट 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 ही करे जा रहे हैं उस टाइम से। ये अली भाई की वजह से इसने हमें बुलाया था कि आप लोगों ने आना है 2 बजे, और जब आया तो हमें वॉयस नोट भेजते हैं कि यार इस पार्क में तो कोई स्कूल मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अभी आप फोटो शूट कर रहे हैं। हाँ, लुक देना। एंकर साहब तैयार हो रहे हैं। हाँ, एंकर साहब भी तैयार हो रहे हैं, इसने भी अपना शूट करना है। मैंने क्या नाम वैदे वाले की तरह ना, तूने भी ये कहना है कि मैं अपनी टीम लेके जाऊंगा, ठीक है? ऐसे तूने बड़ा ना, मैं भी किसी न्यूज़ चैनल में गया तो मैं हल्फन ये बात कहता हूँ अपने प्रोड्यूसर को साथ लेके जाऊंगा। और ये भाई तो खैर वैसे उस वक्त पता नहीं कौन सी दुनिया में व्लॉगिंग कर रहे होंगे, याद रखेंगे। लेकिन ये जो मेरा प्रोड्यूसर है, मेरा कैमरा मैन भी है, मेरा मेकअप आर्टिस्ट भी है, मेरा ड्रेस डिजाइनर भी है, सब ये इजाज़ भाई जो है ये असल में है टंडो के, लेकिन टंडो लगते ये पठान है। अभी हम आपको इसकी जो पिक्चर है वो भी अब मैं उस पठान जानो पठान टंडो मोहम्मद खान जो था वो भी पठान ही था यार। ये क्या चीज़ है यार भैया, पठान तो नहीं, मैं पठान हूँ, मैं मुझे 5 मिनट बाद समझ आती है। तो फाइनली हमारा वेट आवर हो गया, मास्टर अयूब आ गए हूँ पीछे गड़े में। तो हम अभी बच्चों का वेट करते हैं कि वो किस टाइम तक आते हैं। मैं आपको उसका वेट व्यू दिखा देता हूँ। ये है हमारे मास्टर अयूब साहब, मास्टर अयूब भी अपनी जो स्टूडेंट है उनका वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये है वो स्कूल जहाँ पे बच्चे खुद अपनी सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग की। यही वो बातें जो कि हर एक स्कूल में सिखानी चाहिए, पर हमारे जो स्कूल है वो अगर क्लीनिंग वगैरह के ऊपर भी अगर कोई वो एक्टिविटी कराते हैं तो उसको भी जो पेरेंट्स है वो बुरा समझते हैं। तो ये है वो लड़के जो स्कूल आने से पहले सफाई वगैरह करते हैं और उसके बाद उनका स्कूल शुरू होता है। तो ये वन बाय वन बैठ रहे हैं, इनको अपनी जगह का पता है कि हमने कहाँ कहाँ बैठना है। ना इनके पास चेयर है, ना इनके पास कोई डेस्क वगैरह है, जो कि हमारे स्कूल में होते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको पता है कि हमने कहाँ कहाँ बैठना है। वन बाय वन वो बैठ रहे हैं, और जिस जो अपनी जगह पर नहीं बैठे हमारे यूज बता रहे हैं कि आपने यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, आपकी जगह ये आपकी जगह। तो ये अभी सेटअप हो रहा है इनका, अभी इसके बाद जो क्लास वगैरह होंगी स्कूल में यहाँ पर दिखाता हूँ। मतलब हमें आखिर में ये बताएं कि आपको कैसा अंदर से महसूस होता है ये काम करके, और लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि ऐसे काम करने और ऐसे पाकिस्तान को रोशन करें ऐसे कामों से, तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं अपने पाकिस्तान के भाइयों को, ख़वातीन को, बच्चों को, छोटों को, बड़ों को, सबको ये पैगाम दूंगा कि मेरा पाकिस्तान जो इस वक्त दुखी है, मेरा पाकिस्तान जो तालीम के अंदर पीछे है, आओ मेरे साथ मिलो। अगर एक बच्चा भी पढ़ा दोगे, एक लफ्ज भी रोज़ाना पढ़ा दोगे, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम में से जो दूसरों को इल्म देता है वो जन्नती है। फिर आपने ये भी कहा कि तुम वो जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं वो मेरे साथ हैं और हम में से हैं वो। तो आपने ये भी कहा तालीम के लिए तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े और रात दिन क्यों ना पढ़ना पड़े और अपनी माँ की गोद से लेकर आज तक क्यों ना पढ़ना चाहिए पढ़े और तालीम हासिल करें। तो मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को ये पैगाम दूंगा, उठो मेरे साथ आओ, मुल्क की तरक्की चाहते हो, सबसे पहले इन गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाएं। अगर ये गरीब गुरबा बच्चे नहीं पढ़ेंगे ये चोर बन जाएंगे, ये डाकू बन जाएंगे, ये दहशतगर्दों का काबू आ जाएंगे। आओ, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको भी पैगाम दूंगा, कम पैसे लो, गरीब लोगों से थोड़े पैसे लो और गुजारा करो और पढ़ाओ। ये ना करें, ये कोठियाँ, ये कारें, ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। अगर आपके जाएंगे तो अमाल, अच्छे अमाल आपके साथ जाएंगे। थोड़ा खा लें, थोड़ा कर लें, अल्लाह भी खुश होगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे और मेरा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा।
अच्छा जी, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के पास मौजूद है। हमारा नाम क्या है? मलाइका है इसका नाम है, माशाल्लाह। मलाइका क्या बनोगी तुम बड़ी होके? टीचर बनोगी। यहाँ पे तुम बड़ा होगी? अच्छा जी, हम और भी बच्चों से बात करते हैं, उनसे पूछेंगे क्या आप लोगों ने पढ़े होगी, क्या बन नहीं है वो बला बला। अच्छा जी, मैं एक और बच्चे के साथ मौजूद हूँ, उससे बात करते हैं। छोटे से, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, साईं। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा माशाल्लाह से। साईं, बड़े होगी क्या बनोगे? क्या बनोगे? फौजी? आर्मी में जाओगे? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन में। अभी क्या पढ़े तुमने? अभी क्या किया पढ़े? क्या पढ़ रहे हो? जी, जी के वाला लिख रहा था, जनरल नॉलेज। दिखाओ ना जरा मुझे। पढ़ते हैं, मज़ा आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो हमने अपना शूट वगैरह मुकम्मल कर लिया, अली ने भी अपना शूट मुकम्मल कर लिया। तो हमने यहाँ पे आके यही सीखा कि लोगों की किस तरह खिदमत करनी चाहिए। मास्टर अयूब जैसे लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो लोगों का खिदमत हल कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग हर ब्लॉग में मस्तियाँ, शुगल, इधर उधर भाग रहे पीट रहे होते हैं, लेकिन आज यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि वाकई जो जो सुकून लोगों की मदद करने में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। जी बिल्कुल, एजाज भाई जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, और ये बहुत सीरियस टॉपिक था, इसमें हंसी मजाक वाला कोई सीन नहीं था। तो इंशाल्लाह आपके साथ हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तो नीचे सेक्शन में मैं मास्टर अयूब का वो नंबर दूंगा, अगर आप कोई डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेल्टर वगैरह यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे, कोई शेल्टर वगैरह नहीं है, कोई छोटे से फॉर्म वगैरह जिस पर वो बैठते हैं, तो अगर कोई आप कोई चीज़ आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप वो उसके साथ रब्ता कर सकते हैं, आप खुद आ सकते हैं यहाँ पे, उनको दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।